कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन भर में बहुत ही कम टाइम पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जितना भी टाइम पढ़ते हैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। दूसरी तरफ वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दिन भर किताब लेके बैठे तो रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और पे ही होता है और पढ़ते पढ़ते वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। मतलब उनकी पढ़ाई करने की टेक्निक ही गलत होता है। कोई दिन में कितना टाइम पढ़ रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे पढ़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप हर रोज पढ़ने बैठकर जो गलती करते हो उन गलतियों को सुधारने में आपको काफी मदद मिलेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्जाम के पहले दिन खुद को एक कमरे में बंद करके लगातार 5-6 घंटे के लिए बैठ जाते हैं पढ़ाई तैयार करने के लिए। ये शायद आपको पढ़ाई तैयार करने के लिए काफी प्रोडक्टिव एक तरीका लग सकता है, लेकिन रिसर्च से कुछ और ही पता चल रहा है। 2011 में अरीगा एंड लेरस के द्वारा की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, अगर कंटिन्यूसली लॉन्ग आवर तक पढ़ते रहने के बदले हम बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेके पढ़ते हैं, तो उससे हमें कंसंट्रेशन होल्ड करने में एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक या डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए। दिन भर हमारी कंसंट्रेशन एक रिदम फॉलो करके इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है, जिसे अल्टरडियन रिदम कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिदम, कंटिन्यूसली 90 मिनट तक फोकस रहने के बाद 15 मिनट का एक ब्रेक चाहिए होता है। अब ये 90 मिनट हर किसी के लिए फिक्स नहीं है, किसी के लिए ये 50 मिनट या उससे भी कम हो सकता है। ये आपको खुद को ट्राई करके पता लगाना होगा कि आपके लिए ये टाइम लेंथ कितना है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक टाइम भी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन 15 मिनट को एक स्टैंडर्ड ब्रेक टाइम माना जाता है। लेकिन ये ब्रेक टाइम कभी भी 10 मिनट से कम या फिर 25 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, इस ब्रेक के दौरान खुद को ज़रूर अपने मोबाइल या लैपटॉप से दूर रखिए, क्योंकि इस ब्रेक टाइम में आपका मकसद है अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स होने देना। इसलिए अगर इस टाइम में आप अपना मोबाइल या लैपटॉप देखने बैठ जाते हो, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स नहीं बल्कि और ज़्यादा एक्टिव बनने लग जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। अगर कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आ रहा है, तो शायद आपको बहुत कुछ पढ़ के याद रखना पड़ रहा होगा, और ये याद रखने का काम बहुत ही आसान बन सकता है अगर आप जो भी पढ़ रहे हो उसे समराइज करके याद रखने की कोशिश करो। ये टेक्निक अगर आप आज से पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो आज से ही आपको इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट जे मरजानो का किया हुआ एक रिसर्च के अकॉर्डिंग, जब कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक को समराइज करके याद रखने की कोशिश करता है, तो उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रख पाने की उसकी कैपेसिटी 19% तक बढ़ जाता है। मतलब अभी अगर आप एक सी ग्रेड स्टूडेंट हो, तो सिर्फ इस टेक्निक को अप्लाई करके आप एक ए ग्रेड स्टूडेंट बन सकते हो। जब आप कोई टॉपिक समराइज करके याद रखने की कोशिश करते हो, तो उससे आपका एक एक्टिव एंगेजमेंट बिल्ड होता है, जो कि अंडरलाइन या हाईलाइट करने जैसा पॉपुलर मेथड्स को अप्लाई करने से भी नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आप समराइज करने की कोशिश करोगे, तब आप हर एक लाइन या पैराग्राफ से गोल्ड माइनिंग की तरह सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड की डिटेल्स को अलग करके सिर्फ उन्हें याद रखने का काम करोगे। इससे आपको बहुत कम चीज़ें याद रखना पड़ेगा, जिस वजह से आप आसानी से लंबे समय तक याद रख पाओगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। 2008 में जूडी विलिस के द्वारा की गई एक रिसर्च से ये पता चला था कि डिफरेंट मीडिया हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स को स्टिम्युलेट करता है। अब कोई चीज़ याद करते वक्त आपकी ब्रेन में जितना ज़्यादा पार्ट्स एक्टिव रहेंगे, उतना ही आसानी से आप उस चीज़ को समझ पाओगे और याद भी कर पाओगे। इसलिए कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर आसानी से याद रख पाने के लिए आप इन सारे मेथड्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। नंबर 2, यूट्यूब पे सर्च करके उस टॉपिक के ऊपर कोई लेक्चर सुन सकते हो। नंबर 3, कोई ऑनलाइन आर्टिकल या वेबसाइट से उस बारे में पढ़ सकते हो। नंबर 4, एक माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। नंबर 5, खुद समझने के बाद दूसरे किसी को समझने में मदद कर सकते हो। एंड नंबर 6, उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट रिसोर्सेज से कलेक्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ऑफ कोर्स हर एक टॉपिक के लिए आप इनमें से हर एक मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल हो। इससे आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एग्जाम के लिए भी काफ़ी अच्छे से वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। 2012 में डाउ रोरर के द्वारा की गई एक स्टडी से पता चला था कि एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़ने से बेटर है एक दिन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। इसलिए अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपके टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
उन सबको हर रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने का रूटीन बना लो, क्योंकि मंडे मैथ्स, ट्यूजडे हिस्ट्री, वेडनेसडे फिजिक्स ऐसे करके पढ़ने के बदले अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके हर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि एक ही दिन में अगर आप एक ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा सिमिलर इन्फॉर्मेशन एक साथ याद रखने की कोशिश करने से वो मिक्सअप हो सकता है। वही अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन भी डिफरेंट होने की वजह से उसे याद रख पाना ज्यादा आसान होगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, स्टडी पीरियडिकली इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। 2008 में निकोला सिपेडा का किया हुआ एक रिसर्च से ये पता चला था कि अगर आप कोई चीज लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, एक रूटीन फॉलो करके उसे पीरियडिकली रिवाइज करते रहना। अब एग्जैक्टली कितने दिनों के बाद किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, फिर भी एक स्टैंडर्ड रूटीन के तौर पे आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को समअप करूं तो अपने स्टडी सेशंस के इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आज से ही आपको ये 5 स्मार्ट आइडियाज फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 1, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। नंबर 2, समराइज व्हाट यू रीड। नंबर 3, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। नंबर 4, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। एंड नंबर 5, स्टडी पीरियडिकली इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।